गाइस गाइस, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में सिंपल सा क्या रखा है कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नीचे जो सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, दो प्रॉब्लम गिवन है, इन दोनों को क्या करना है तुम्हें, इन दोनों के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। ठीक है, मतलब कि ग्राफिकल मेथड से। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, कह रहे कि 10 बच्चे हैं क्लास 10th के, ठीक है, वो क्या कहते हैं वो पार्ट लेते हैं मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का कोई कोई कॉम्पिटिशन है, उसमें क्या है वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मतलब कि जो यहाँ पे गर्ल्स की जो जो यहाँ पे गर्ल्स के नंबर है ना, मतलब देखो यहाँ पे जितनी लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्या हैं, लड़कों से 4 ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लो अगर लड़के 10 हैं तो लड़कियाँ कितनी हैं, 14 हैं। ठीक है, इस तरीके से है। तो फिर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो सबसे पहले हमें देखो कि यहाँ पे क्या करना है, जो इक्वेशन प्रेजेंट करनी है वो करना होता है। तो पहले जो इसमें कह रहा है कि तो देखो हमारे पास क्या है, बॉयज़ है और गर्ल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट कर लेंगे कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, एक्स हैं। ठीक है, फिर लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, वाई है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, क्योंकि देखो जो जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का टोटल कितना हमारे पास, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स से ज़्यादा है। वो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा है, मतलब जो लड़कियाँ हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो पहले क्या करेंगे, देखो इसमें आपको बताता हूँ, अगर कभी भी ऐसा आता है ना, ऐसी सिचुएशन आती है उसमें ये बोल रखा होता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से इतनी ज़्यादा है या इतनी टाइम्स है, तो करना क्या होता है, हमें पहले दोनों को इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो हमारे पास एक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, वो है वाई। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, एक्स है, और जो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई है। तो जो देखो यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स के जो नंबर हैं, ठीक है, गर्ल्स क्या है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब कि गर्ल्स के जो नंबर है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, मतलब जो यहाँ पे क्या है, जो इस टाइम जो वाई है ये एक्स से 4 ज़्यादा है, तो दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इस साइड क्या है, 4 को ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं, जितने भी हमारे पास क्या है ए बी सी डी वाले वर्ड हैं उसको एक तरफ कर देते हैं, और जितने हमारे पास क्या है काउंटिंग वाले उन्हें एक तरफ। ठीक है, तो देखो जैसे वाई वाई क्या है हमारे पास यहाँ पे, वाई जो है प्लस में, इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इस साइड एक्स प्लस में, उस साइड माइनस में, तो 4 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, या फिर लिख दो वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, और ये क्या था इक्वेशन फर्स्ट, बस सिंपल सा है। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन सिंपल इस तरीके से आसान सा होगा। ठीक है, उसके बाद इसका अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹15। ठीक है, तो ऐसे को जब भी हम क्या है कि कुछ भी परचेज करने की बात करते हैं, तो उसको उसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बता रखा है, फिर भी देख लो। देखो दूसरा क्या है हमारे पास इसमें, कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹15। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास अगर किसी भी कॉस्ट की बात आती है, फिर कुछ परचेज करने की, कुछ खरीदने की बात आती है, तो उसे हम कैसे करेंगे, तो पहले हम जितने भी आर्टिकल हैं
दोनों की क्या, हम पहले कॉस्ट लेट कर लेते हैं, तो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स, फिर लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंस बी वाई, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जो पेंसिल की और पेन की कॉस्ट को क्या एक्स और वाई लेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर ₹15। तो हमने पेंसिल कितनी परचेज की है, 5, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इज इक्वल टू 5 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है। इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या है 5 पेंसिल परचेज की है, ठीक है। जब 5 पेंसिल मैंने परचेज की है और कितने रुपए की खरीदी है, ₹X की एक है, ठीक है, ₹X की एक है। तो 5 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 5x, इससे मान के चलो कि कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, वो ₹5 का है। अगर आपको वैसे ही आर्टिकल कितने 10 रुपये का दस के परचेस करने, तो कितना 50 नहीं आ रहा कॉस्ट, ठीक है। तो वही हमारे पास यहाँ पे है, 5 इंटू में एक्स कर दिया है। उसके बाद जो है कॉस्ट ऑफ 7 पेंस इज इक्वल टू, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेन है, तो 7 इंटू में वाई इज इक्वल टू 7y, ठीक है। तो देखो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी हमारे पास, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 50 है। तो पेंसिल की कॉस्ट और प्लस में पेन की कॉस्ट, ठीक है, टोटल कितने मेरे पास ₹50 है। तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये क्या हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद उसने क्या रखा है कि वेयर इज द 7 पेंसिल एंड 5 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उसने क्या रखा है कि 7 पेंसिल है और 5 पेंस है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, 7 पेंसिल है, तो कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल इज इक्वल टू 7 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 7x, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 पेन इज इक्वल टू 5 इंटू में एक्स इज इक्वल टू 5x, ठीक है। जैसे ऊपर किया वैसे नीचे किया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो उसकी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ₹46 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 7x, यहाँ पे हमारे पास y आएगा, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ पेन कितना हमारे पास y है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5y, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 46, और ये क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसे ग्राफ पे प्रेजेंट कर देना है और इसका क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें आंसर को मैं पता लगाने का तरीका बताऊँ तो कैसे आएगा। जैसे मान के चलो कि हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ बना रहे हैं। मान लो एक ग्राफ मेरा जो है ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक ग्राफ क्या मेरा ऐसे जा रहा है। तो जहाँ पे कट कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो तो एक्स वाली वैल्यू होगी, और जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो वाई की, मतलब जो हमने एक्स लेट कर रखा होगा वो यहाँ पे, और जो वाई लेट कर रखा होगा वो यहाँ पे, दैट्स ऑल गाइस। देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही ईजी तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मेरी वीडियो के टाइम टू टाइम मिलती रहे, और बेल आइकन को ऑन कर लो। थैंक यू।